शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर आपने किसी को पैसा उधार में दिया हुआ है और बहुत समय से आपने पैसा दिया है, लेकिन अभी तक वो पैसा आपका व्यक्ति जो है वो लौटा ही नहीं रहा, आप भीख मांगने तक आ गए हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो अभी आपने उस व्यक्ति से पैसे मांगना बंद कर देने हैं। और एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ, इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपका जो पैसा है मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएगा। केवल एक पीपल के पत्ते के ऊपर आपने नाम लिखना है उस व्यक्ति का, और उस पत्ते को क्या करना है इस उपाय में आपको पूरा बताऊंगी, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इस उपाय का लाभ उठा पाएं। उपाय करने के लिए हमने लेना है एक पीपल का पत्ता, साफ सुंदर पीपल का पत्ता आपने जो है वो तोड़ लेना है। उपाय हमने करना है मंगलवार के दिन, अब ध्यान रखिएगा केवल मंगलवार के दिन ही ये उपाय करना है। एक पीपल का पत्ता ले लेंगे, इसके साथ ही हमने क्या लेना है, एक तो हमने लेना है गऊ लोचन, बड़ी आसानी से आपको जो है पूजा सामग्री की दुकान से मिल जाएगा, इसे हम गऊ लोचन कहते हैं, रोली की तरह सिंदूर की तरह ही होता है। दूसरे नंबर पे हमने लेना है केसर, थोड़ा सा केसर लेना है, जितना आपके पास अगर घर पे ही हो तो उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने लेना है चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो भी आपको मिल पाए आसानी से वो आप ले लीजिए। और चौथे नंबर पे हमने लेना है गुलाब जल या फिर इत्र ले लीजिए, इन चारों चीजों को आपने मिक्स कर लेना है, मिला लेना है घोल की तरह आपने, जैसे हम तिलक लगाने के लिए घोल तैयार करते हैं ऐसे ही आपने कर लेना है। उसके बाद जो आपने पीपल का पत्ता लिया है उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने इन सभी चीजों को मिलाकर जो घोल तैयार किया है उस व्यक्ति का नाम लेना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आपने पैसा उधार में दिया हुआ है, उस व्यक्ति का नाम आपने जो है इस पत्ते के ऊपर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पत्ते को अपने साथ लेकर जाना है मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले पहले, ये उपाय आपने करना है। आपके घर के पास या फिर कहीं भी एकांत स्थान पर या फिर जो है सड़क के किनारे कहीं पर भी सफेद आंकड़े का जो है वो पौधा होना चाहिए। दो तरह के आंकड़े के पौधे होते हैं, एक के ऊपर सफेद पुष्प लगते हैं और एक के ऊपर ऐसे पिंक लाइट पिंक से पर्पल से पुष्प लगते हैं, दो तरह के आंकड़े के पौधे होते हैं। तो हमने जो आंकड़े का सफेद जिसके ऊपर फूल लगते हैं उस पौधे को हमने ढूंढना है, और उसके पास आपने क्या करना है एक छोटा सा गड्ढा करना है, और इस पत्ते को आपने उसी पेड़ के नीचे आपने जो है उसे दबा देना है। जब आप दबाएंगे उस समय आपने जो है प्रार्थना करनी है भगवान से, महादेव से, या जिसका भी आप स्मरण करना चाहते हैं स्मरण करिए कि आपके जो पैसे हैं ये आपको वापस लौटा दे, इस व्यक्ति को आपने उधार में दिए हुए हैं तो आपके पैसे जो है वो आपको जल्दी से जल्दी वापस लौटा दे। मात्र इतना सा उपाय जो है लगातार जो है आप 3 मंगलवार को पूरी श्रद्धा भावना के साथ आपने इस उपाय को दोहराना है, और इसका इतना प्रभावशाली रिजल्ट आपको मिलेगा कि 3 महीने लगेंगे, आपका पूरा पैसा जो है व्यक्ति स्वयं आपको लौटा कर जाएगा, आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरल सा उपाय मैंने आपको समझाया है, बहुत ही अच्छा उपाय है, ज्योतिष उपाय है, उपाय को अच्छे से करिए और इसका लाभ हासिल करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।